我也这样。मरने आए हो गए कोई जानकारी नहीं जमुरी हो हम मोबाइल चाहिए बोलो इनको पटाबा क्या पटाबा अच्छा 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 अभी देंगे देख देख उधर देख मोबाइल उधर फोटो आएगी देख उधर देख थोड़ी आओ अभी विकास से हाँ विकास अभी कोई डिसाइड नहीं है चॉइस को आ भी सकता है लेकिन 26 नवंबर 2016 का अब वो जनवरी में 26 जनवरी में डिक्लेयर करते हैं नहीं 30 जनवरी में करे आए 19 जनवरी को किया तो उसमें 17 वाली जनवरी पे तो हुआ नहीं अच्छा भी किया है हर जनवरी को करते हैं ऐसे जो भी मिठाई खाओ मिठाई खाओ बैठे देखता जाओ खा लो लो पूरा लो 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 ढिंग हाँ थर पीछे खड़ा ना भी खोद मारी फोटो लग गई कोई बात में देखो तो मेरा बेटा बहुत
मेरा बेटा विकास जाखड़ असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ कोबरा बटालियन में रांची पोस्टेड है। 30 नवंबर 2016 को सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें इसने बहुत ही बहादुरी से हमारा परिवार का, गांव का, जिले का मान रखा और उसने 7 नक्सलियों को मार गिराया। आज इनके तीन साथी गिर गए थे, जिनसे मतलब उनकी जान को बहुत खतरा था। इसने अपनी जान की परवाह किए बिना उनको भी बचाया और साथ में नक्सलियों को भी ढेर किया। नदी की सिचुएशन के ऊपर ही था, नदी के उस पार नक्सली थे और इस पार ये थे। 17 जनवरी 2018 को मिला, डिक्लेयर किया 25 जनवरी 2018 को, और अब 23 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरे बेटा बहुत बड़ो काम महसूस बहुत बढ़िया हो रहा है, बड़ो काम करे है बेटे, बहुत बहुत शुद्ध हो, कदे कीड़ी कोई मारी भी तो मैं कहा सोचा भाई ये तो बड़ो काम करते वो मालिक है, बहुत हो। विकास जगत मेरा बहुत ही अजीज मित्र है और उसके द्वारा ये किया गया कार्य हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है। बचपन में जैसे हम लोग उसको प्यार से गांधी नाम से बोलते थे, पर उसने उस छवि के बिल्कुल विपरीत और बहुत ही शौर्य के साथ हम सबका मान रखा है, और उनके परिवार को और मेरे इष्ट मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस शौर्य चक्र के लिए। उन्होंने 7 नक्सलियों को शौर्य चक्र, मैं भी पापा की तरह बनना चाहूंगा।